देश भर के सिनेमा घरों में 21 जून को उड़ता पंजाब की कामयाबी के बाद एक बार फिर शाहिद कपूर बड़े पर्दे पर फिल्म कबीर सिंह में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ अभिनेत्री कायरा आडवाणी नजर आएंगी। साथ में फिल्म में सुरेश ओबेरॉय और अर्जुन बाजवा भी दिखेंगे। आपको बता दें कि फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहिद कपूर और कायरा आडवाणी जब सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ पहुंचे तो प्रेस वार्ता के दौरान सभी पत्रकारों के साथ खूब गॉसिप और मस्ती की। चलिए आपको दिखाते हैं। So according to you, Kabir Singh is a hero or a villain? मैम, कबीर सिंह इज एज रियल एज यू एंड मी। आई थिंक इस कमरे में ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि वो पूरा सफेद है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मानना चाहेगा कि वो पूरा काला है। वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रे, हम इंसान हैं। और आई थिंक अब 2019 में ये वक्त आ गया है कि हम रियल लोगों की कहानियां बनाएं और ये परफेक्ट कैरेक्टर्स जो आम जिंदगी में कहीं दिखाई नहीं देते उनको स्क्रीन पे देखें और आम जिंदगी के जो इश्यूज हैं उनसे जूझे नहीं, उनको एड्रेस नहीं करें। तो कबीर उतना ही रियल है जितनी आप है और मैं हूँ। और जब दिल टूटता है तो अच्छी फीलिंग तो होती नहीं है, और बड़ी सारी गलत चीजें करने का ही मन करता है। और यू नो, कई बार आप जैसे मैंने जब उड़ता पंजाब भी की थी तो उसके अंदर टॉमी सिंह का कैरेक्टर जब मैंने प्ले किया था तो लोगों ने कहा था यार आप एक एडिक्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो एज एन एक्टर, आपके यू नो फैंस के लिए ये वो। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर हम वो कैरेक्टर्स प्ले नहीं करेंगे तो हम लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा पाएंगे। तो वो ड्रग्स को लेकर था, ये टूटा हुआ दिल टूटा हुआ आशिक है। जब लोग फिल्में देखते हैं तो यू नो दे अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर अब जो कर रहा है वो सही है और ये जो ये कर रहा है ये गलत है। तो सही गलत में फर्क कभी कभी जब आप सामने वाले में देखते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। तो कबीर सिंह जो है वो एक्चुअली बहुत सच्चे दिल से प्यार करता है, और इतना ज्यादा प्यार करता है कि अपने आप को भूल जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो अभी आप 2 मिनट का ट्रेलर देख रहे हो, यू नो, सो उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा। सही और गलत हमेशा उसी से डिफाइन होता है कि उसके पीछे एक इंसान का इंटेंशन क्या था और क्या उसका बिहेवियर जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। तो वो जब आप कबीर सिंह जाके थिएटर में देखोगे, उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो आपको क्या महसूस हो रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट शायद आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि सही कि कबीर अच्छा है या कबीर बुरा है, या कबीर आपके और मेरी तरह अच्छा और बुरा दोनों है। The next question, please. Can you pass the mic here? I don't need. Shahid, Chandigarh se swagat hai tada. Kafi. Thank you so much. Time ke baad tusi wapas aaye. Haan ji, haan ji. Te acha gal kara gusse wali jo feel hai shooting ke dauran inna gussa dukhana. Ji, Punjabiyon ke andar to thoda pyar aur gussa dono equal amount mein rehta hai. To ye bhi to Kabir Singh hi hai. Kar jaake kive is to chutkara paunde si. Ji, main nahaa dho ke थोड़े यू नो मंत्र शंत्र पढ़ के अगरबत्ती जला वला के जी आप ट्रैफिक में फंस जाओ आधा पौना घंटा, जब भी ज्यादा गुस्सा है ना गाड़ी में एक ड्राइव पे चले जाओ। प्रॉब्लम ये है, चंडीगढ़ में ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में ट्रैफिक जैम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो जो भी मेरा मूड था वो एक घंटा जो मैं बिताता था अपनी गाड़ी के अंदर शांत होने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो इस कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो मेरी फैमिली या मेरे बच्चों में कभी भी उनको मेरे अंदर महसूस हो। तो मैं थोड़ा अपना मूड चेंज करके शांत होके थोड़ा म्यूजिक सुन के नहा धो के ट्रैफिक में अटक के थोड़ा इंस्टाग्राम और ट्विटर चेक करके और कुछ फनी वीडियोस देख के ही घर जाता था। जी मैं वो कपड़े पहन रहा था और मैंने उनकी फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा बेटर यही है कि मैं उनको डेडिकेट कर दूं। Both are looking very very cute and handsome and beautiful. Thank you, Paji. Same to you. Thank you, sir. I'm always. Sir, actually, you're looking cute and beautiful always. I've had it. कितना time बिताया था शीशे के सामने? देख रहा हूँ ज़्यादा सुन। Sir, जो हमारी फिल्में होती हैं, वो impact डालती हैं youth पे, जो college going हैं या medical student हैं, suppose कोई ऐसे कुछ दिख रहा है जो trailer में। तो ओपनली किसिंग वॉज अ टैबू व्हेन यू स्टार्टेड शूटिंग, जब आपका फर्स्ट सॉन्ग आया था हम लोग कॉलेज में थे तब उस टाइम एक टैबू होता था, आजकल ओपन किसिंग ये बहुत जरूरी हो गया क्या? मतलब सर ये ओपन शर्ट मुझे समझ में नहीं आया, अब क्या डिस्कस करें? ये चीज
मतलब खुले में किस करना और कमरे के अंदर किस करना, आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि या फिल्म में किस करना? नहीं नहीं नहीं, एक एक लीविंग द मार्क फॉर द सीनियर्स एक्चुअली व्हेन योर एल्डर्स आर देयर. मैं पार्क में घूम रहा हूँ ओपनली हाथ पकड़ के, दैट्स फाइन. वी नॉट दैट ऑर्थोडॉक्स एक्चुअली, वी आर स्टडीइंग नाउ. मैं यूएस भी गया था, बट एक्चुअली इंडिया इज समथिंग एल्स एक्चुअली. वुड यू अग्री टू दैट? कि ओपनली किसिंग इज देयर इज समथिंग एल्स. आप मतलब जनरल सेंस में ओपनली किसिंग इज लिटिल बिट हायर देन दैट. सर आपको ये मतलब जो 5 मिनट हमने दिखाया, आपको सिर्फ किसिंग ही दिखा उसमें? अब आपको सर वही दिख रहा है तो उसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. और भी बहुत है सर फिल्म के अंदर. दो लोगों को प्यार होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जस्ट गिव योर फिंगर ऐसे ऐसे. सर फिल्मों में तो सच्चाई दर्शानी चाहिए ना. सच्चाई तो आपका सवाल क्या है? बच्चों के इम्पैक्ट पूछो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जी, वुड दे बी ओपन टू इट एक्चुअली? कि वो भी ओपन हो जाएं ऐसे? सर सिगरेट्स सिगरेट्स बिकती हैं दुकान पे? डबल सिगरेट्स बिकते हुए देखा पहले? हाँ नहीं, लेकिन बिकती हैं दुकान पे. बिल्कुल. तो उसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए मेरे साथ. रुका है वो. तो फिल्में आम जीवन में जो हो रहा है उसको दर्शाती है. तो आम जीवन में जो होगा अगर हम वो फिल्मों में नहीं दर्शाएंगे, मैं एक और एग्जांपल देके आपसे शायद डिस्कस करता हूँ. फिर से मैं उड़ता पंजाब की बात करूंगा. मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म. और मेरी पैदाइश पंजाब की नहीं है, लेकिन मेरा पंजाब से एक बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है. मैं यहाँ डेरा अमृतसर आते रहता हूँ कई बार. मेरे फादर लुधियाना में बड़े हुए हैं. सो उसके अंदर एक इशू को डिस्कस किया गया था जो ड्रग एडिक्शन का इशू था. वो पंजाब में भी है और जगहों में भी है. और मेरे लिए पंजाब एक बहुत खूबसूरत स्टेट है, यू नो. तो अगर उसमें कोई भी चीज़ है जो उसकी खूबसूरती को ख़राब कर रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. और उस कहानी में एक ऐसे इशू के बारे में फिल्म बनी थी. तो अगर कोई इशू है और उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो फिल्मों के अंदर सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सच्चाई को दिखाओगे नहीं तो वो तो लाइफ का रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो थिंग्स फॉर हाउ दे आर. और आई थिंक जब आप कॉलेज में होते हो और आपको प्यार होता है, सो देयर इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. दैट्स द ट्रूथ, यू नो. सो थैंक यू सर. उनको मूवी में वही दिखा. सर चाहे उड़ता पंजाब हो या फिर दिस मूवी कबीर, इसमें एग्रेशन और मतलब गुस्सा आपका देखने को मिल रहा है, तो कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह के यू नो कैरेक्टर्स को निभाना? जी मेरी शादी हो गई. अच्छा. तो सारी फीलिंग्स अंदर जो दबा के रखी हुई थी वो मैंने इस कैरेक्टर में डाल दी. नहीं एक्चुअल में मतलब कैरेक्टर्स को नहीं, एक्चुअली इस फिल्म को की ओरिजिनल फिल्म जो थी अर्जुन रेड्डी, वो मैंने देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी. और अलग जबान में थी, एक अलग कल्चर के बारे में थी, तेलुगु फिल्म थी. लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं फिल्म देखते हुए कि ये कहीं और हो रहा है. मुझे ऐसा लगा दैट उस फिल्म के अंदर एक क्वालिटी थी कि आप किसी भी जबान में उस फिल्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो. आप कहीं से भी हो तो कनेक्ट कर सकते हो. तो इसलिए उसको जब हमने रिक्रिएट किया तो कबीर सिंह को ढूंढना बहुत ज़रूरी था. और उस कैरेक्टर की जो का जो एटीट्यूड है, उसके मन में जो फीलिंग्स गुजर रही हैं, उनको दर्शाना बहुत ज़रूरी था. तो काफ़ी वक्त बिताया डायरेक्टर के साथ. डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी. और बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इसको वर्ड्स में समझाना मुश्किल होता है. फिजिकैलिटी चेंज करनी पड़ती है. फॉर द सर्टेन पोर्शंस आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, एंड देन फॉर द कॉलेज पोर्शंस आई हैड टू लूज अबाउट 15 kgs. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट वेंट इनटू इट. एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक इट ऑन द 21st ऑफ जून. आई होप सो. क्या आपका कैसा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस मूवी? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Well, like he said, even I was a huge fan of the original film. So when I knew that they were casting for the remake, and Sandeep sir, who's directing it the second time again, was came to meet me, auditioned me for the film, I was extremely excited that a film like this, because I think for every actor, love story karna is it's right on top of your bucket list. So and something that's so real and so raw. मतलब आई थिंक हर पीढ़ी में सिर्फ एक बनती है दैट यू गेट दैट इंटेंस रियल लव स्टोरी. सो आई होप दैट पीपल एंजॉय द फिल्म, बिकॉज फॉर अस आई थिंक पर्सनली इट्स बिन अ जर्नी. द फिल्म इज अ जर्नी ऑफ लव एज वेल, एंड एवरीथिंग दैट यू गो थ्रू व्हेन यू आर इन लव, द फर्स्ट एवरी फर्स्ट टू द ब्रेकअप टू एवरीथिंग, हाउ यू डील विद इट. सो आई थिंक हैविंग
gone through the film, it feels like, you know, we've been through that entire journey and now finally ready to share it with you all. All right, the next question. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਘਾੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੋ ਸਿਗਰਟਸ ਪੀਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤ ਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਤਰ ਦੇ सर मेरी सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मेरे अपने फादर हैं जो इतने अच्छे एक्टर हैं उन्होंने कई ऐसे रोल्स किए हैं जैसे अगर उनको मैं मकबूल में देखूं तो मैं जितना अपने फादर को जानता हूं उनके अंदर एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो अब्बा जी के कैरेक्टर के अंदर थी वो बिल्कुल भी यू नो ऐसा अपना रोग जमाते नहीं है कहीं भी बहुत हम्बल इंसान है और किसी भी एंगल से डरावने नहीं है बहुत सिंपल है और यू नो बहुत वार्म है तो बचपन से मैं यही देखते आया हूँ कि एक्टिंग नाम की चीज यही होती है कि आप अपने आप को भूल के किसी और को अपने अंदर ढाल सको और लोगों को लगे कि वो आपको नहीं देख रहे किसी और को देख रहे हैं और जैसे जैसे आप स्टार बनते हो आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों के मन में ढल जाती है तो उसको तोड़ना और मुश्किल हो जाता है यू नो कोई जान पहचान का इंसान ना हो और वो कोई कैरेक्टर प्ले करे तो आप फिर भी मान लेते हो लेकिन अगर आप किसी को जानते हो तो फॉर देम टू कन्विंस यू इज इवन मोर डिफिकल्ट यू नो सो दूसरा आपने कहा कि आपने किसी को देख के इंस्पिरेशन ली मुझे ऐसा लगता है कि मिमिक्री और इमिटेशन दूसरे लोगों को देखकर उनको कॉपी करना वो एक अलग कला है एक्टिंग एक अलग कला है वो कॉपी नहीं की जा सकती उसको अंदर से लाना पड़ता है यू नो उस कैरेक्टर को आपको खुद समझ के एक ओरिजिनल कैरेक्टर चुनना पड़ता है इधर से मैं ये एक्सप्रेशन ले लूं उधर से मैं वो तो चोरी होती है एक्चुअली यू नो एक्टिंग में आपको अपने अंदर उस कैरेक्टर को ढूंढना होता है तो मेरी कोशिश वही रहती है ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।